अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। गाइस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने लिए ज़मीन 42 मरला डेरे के लिए। तो डेरे के लिए भाई ज़मीन थोड़ी सी सी नीचे, उसको ऊपर करवाने के लिए हम काम करवा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था मिट्टी का। तो ये देखें माशाल्लाह से काम शुरू हो चुका है हमारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन कोई बारिश हुई, आपको पता है कि 3-4 दिन से लगातार बारिश है, जिसकी वजह से ट्राली को गुजरने में मसला है। अब ये ट्राली यहाँ पर फंस चुकी है, इसकी कोशिश की जा रही है। पहले आपको एक ट्राली दिखाई है, वो गिरने वाली थी। अब ये देखिए इसको निकालने का काफ़ी इशू हो रहा है। अब इसको फिर हेल्प आउट करने के लिए एक्टिवेटर आ रही है, देखें क्या बनता है। अब जी रास्ता बन चुका है और ट्राली आ रही है, देखते हैं कैसे गुजरती है। भाई दिखाते हैं आपको भी। ट्राली टायर पंचर है, नो गाइस अभी तक इश्यू चल रहा है। मुझे लगता है फिर हार रहा हूँ, एक्टिवेटर करना पड़ेगा और इसको निकालना। काम शुरू हो चुका है। कहते हैं जी जिसका काम उसी को साजे। हम तो खाली फिलहाल मशवरे ही दे रहे हैं कि भाई ये काम अब मुझे लग रहा है बेहतर हो गया, क्योंकि ये इसको ऊपर ना मंड उसको दबा रहे हैं नीचे ताकि ट्राली को गुजरने में मसला ना हो। ये देखें ना, अब काफ़ी बेहतर हो गया सिस्टम। ये भी जगह भी साफ कर ली, ये जगह भी साफ हो गई। अब देखते हैं एंड क्या होता है, भाई ट्राली आने के बाद ही पता चलेगा। लो जी प्रोसेस शुरू हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। ये ठेकेदार हमें गाइड कर जा रहा है, देखते हैं अब होता क्या है। वाह साजी वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। जड़ कथी पे उस्ताद लोग उस्ताद हैं। जनाब क्या हाल है? कितना तजर्बा सर आपका? तकरीबन 2016 माशाल्लाह। तो पहले ना हुआ इतना सारा खजल थे पे वहां। बस वो हेल्पर है ना वाला लियो बाल है सही। आप ये रही ज़मीन जो हमने ली है और वहाँ तक कमान तक है, प्लस ये रही सड़क, प्लस ये रही ट्राली। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर ट्राली फंसती जा रही है, पता नहीं सिस्टम क्या है। और एक ट्राली रही, वो तकरीबन कई एस्टिमेटेड है 400 ट्राली आएगी। और इसको सीधा करने के लिए आया हुआ है अलव से। अलव साहब क्या, अलव साहब अभी पर मैं बैठा हूँ एक्सपेक्ट के ऊपर और दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से बैठ के क्या व्यू क्या नजारा आ रहा है भाई। ये चीज़
सिस्टम यही ने वैसे अगर हकीकत बात की जाए व्यूअर्स, मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ क्योंकि गिरने का खतरा होता है। जो बैठने वाली जगह ना, ये देखिए सीन में मज़ा बहुत होता है जब यूँ घूम के आप देखोगे देखें ओ ओ फिर गाइस ये रही हमारी बुक जो हम ट्राई वाले को देते हैं। दिस इज वर्क। तो गाइस ये रही फाइनली ज़मीन जो हमने ली है, 42 मरला ज़मीन, और इधर काम शुरू हो चुका है। हमारा कोई जायजा था क्या है कि तकरीबन 400 ट्राली, लेकिन ये पहुंच रहा है 600 ट्राली पर, और देखें कि तकरीबन 4.25 लाख के किलो खराब पहुँच रहा है। और ये तकरीबन गाइस यार आज दिन स्टार्ट होता है चौथा, और तकरीबन आखिरी दिन भी इसे कहते हैं कि आज तकरीबन हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। माशाल्लाह से अब ये देखें कि इतनी मिट्टी आ चुकी है, तकरीबन 400 कुछ ट्राली पहुंच चुकी है, बाकी ट्राली 150 हो के तय है। यार आज कुछ भी हो जाए, हमें ना सुना पड़े, कुछ भी करेंगे आज के दिन आपकी मिट्टी कम्प्लीट करके जाएंगे, बस आप पैसे रेडी रखो। तो अभी हम पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह से अगर यहाँ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है भाई। बात ये करने वाला कि हमारा डेरा बड़े चस्क रहेगा भाई। अभी कुछ और ड्राइवर्स लोग कहते हैं कि यार शौकीन है, फ़ैन भी हैं साथ साथ, कहते हैं कि यार हमारी वीडियो अच्छी अच्छी बनाया करो, तो उनके सिन बैठक शॉट ले रहा हूँ, आपको दिखाता भी रहूँगा और इन्जॉय कीजिएगा। ओके जी, होए गाइस मैं आया हूँ अभी रोटी लेने के लिए, रोटी ले लिया। ये देखें जी 8 से 10 बंदे हैं, और उनके लिए खाने के कारण क्योंकि मजदूरों को ले लिया उठ खिलाते, मैंने कहा आपको आज आपको दिखाई देता हूँ उनको हम खाना खिलाने वाले हैं। ओके माशाल्लाह से ये देखें, ये तो हाईवे वाला सीन बना पड़ा है। ये देखें ओ वहाँ तक जा रही है हमारी मिट्टी, और ये जी फाइनली चक्कर लग रहा है। 3 लेयर्स थी टोटल, 2 लेयर्स पहले बनाई हैं, उसको फिर गाड़ी सीधा करती थी, स्कूल गाड़ी ने अभी सीधा दिया। देखें कैसा माहौल बना पड़ा, पहले तो खड़े खड़े थे, अब ये फाइनल लेयर लग रही है। अब देखते हैं कि कहाँ तक, 513 ट्राली पर हम पहुँच चुके हैं, अभी काम जारी है सारी है। हमारा अंदाज़ा एस्टिमेट था पहले 400 का, फिर हमें लगाया 500 का, फिर हमें लगाया 600 का, लेकिन अब मुझे लग रहा है 600 से भी काम बढ़ने वाला है। ये ना डीजल की पेमेश हो रही है, डीजल की। हाँ भाई एंडे एंडे फुल। अच्छा फाइनली जी व्यूअर्स, आज मट्टी वालों को बाय बाय कह दिया है, और बाकी आपसे मुलाकात करेंगे हम भी इंशाल्लाह कल।